फ्रेंड संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं सोया ग्रेन्यूल्स के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। बहुत ही डिलीशियस लगती है, एक बार इसे ज़रूर बना के देखिएगा। थोड़ा टाइम लेके वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, गैस चूल्हा पे मैं पानी को गर्म होने के लिए रखी थी। ये सोया ग्रेन्यूल्स है, ये क्या क्रश ही आता है। आपको ये इसका पैकेट डीमार्ट में ईजिली ही मिल जाएगा, वहाँ सब तरह का मिलता है। ये क्या है, एक से दो मुट्ठी या जितना आप बनाना है उसके हिसाब से ले लीजिएगा। मैं यहाँ एक मुट्ठी कस के ली हुई हूँ और इसमें सिर्फ इसको एक उबाल ही लाना है। इसको ज़्यादा उबालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। और फिर इसको नेट में डाल कर इसके ऊपर से ठंडा पानी डाल दीजिएगा और पूरी तरह से फिर इसको हाथ से निचोड़ के यूज करना। देखिए, बहुत अच्छे से पक गई, एक उबाल दे दी। अब देखिए, इस बड़े से बॉल में एक प्याज ली थी, इसको रफली थोड़ा मैं काट ली हूँ और एक उबला हुआ आलू ली हूँ, इसको क्या है कुकर में उबाल ली थी और इसको छील कर यूज कर रही हूँ। और टेस्ट के हिसाब से आप हरी वाली जो मिर्च आती है उसका यूज कीजिएगा और धनिया पत्ती अपने टेस्ट के हिसाब से। जो अभी ग्रेन्यूल्स सोया ग्रेन्यूल्स को मैं उबाली थी, इसको नेट पर डालकर ऊपर से ठंडा पानी डाल दी थी और इसको पूरी तरह से निचोड़ ली हूँ। अब क्या है, इस बड़े से बाउल में मैं इसको डाल दूंगी इस तरह से। ये बहुत ही मस्त है और हेल्दी तो बहुत है ही। इसमें स्वाद अनुसार नमक देखिए इस तरह से मैं डाल दी और मिर्च पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना तीखा आपको खाना पसंद आता है उस हिसाब से। काली मिर्च और जीरा का भुना हुआ पाउडर यहाँ थोड़ा सा डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना चम्मच, उससे एक कॉर्न फ्लावर जो सूप वाली चम्मच है उसे एक चम्मच में ले रही हूँ। ये क्या है, सबको बस इकट्ठा करेगी इसके लिए। इसमें कॉर्न फ्लावर ज़्यादा यूज मत कीजिएगा, नहीं तो क्या है ना, सोयाबीन का जो टेस्ट होता है उसका उतना फ्लेवर नहीं आएगा। आलू मेरी थोड़ी बहुत गर्म थी इसलिए मिलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर मैं इसको कर लूँगी। देखिए, इस तरह से हल्के हाथ से इसको अच्छे से आप इसको बढ़िया से जितना प्याज और धनिया पत्ती मिर्च और जितने मसाले सबको अच्छे से मिला ली और इस तरह से गोल गोल कर दी। इसका शेप आप क्या है लेग पीस की तरह भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं गोल ही कर ली हूँ और गैस चूल्हा पे कढ़ाई रखी हुई हूँ और यहाँ सरसों तेल का ही यूज कर रही हूँ गर्म होने के लिए। जो फ्राई करने के लिए चाहिए तेल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। तेल बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, ये बहुत ज़्यादा तेल नहीं पिएगी, पर क्या है इसको क्या है आप ना इसको जब तेल पूरी अच्छे से गर्म हो जाए तब इसको डालिएगा और फिर आँच को मीडियम पे रख दीजिएगा। इसको क्या है फिर मीडियम पे रखने के बाद बीच में फिर एकदम लो पे रख दीजिएगा, अंदर तक अच्छे से पकेगी ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। फिर इसकी जो ग्रेवी बनाएंगे हम इसको डालेंगे बहुत ही टेस्टी लगेगी। देखिए, इसको कम आँच अब फिलहाल कर दी हूँ और आराम से इसको पकने दूंगी। जितना अच्छा से ये पकेगा उतना ही इसका टेस्ट बेहतरीन होगा। इसको कम आँच में छोड़ दी हूँ और दो टमाटर ली हूँ, थोड़ा सा लहसुन लेकर दोनों को पीस लेना और कम आँच में देखिए इसको मैं फ्राई कर ली। बढ़िया से इसको प्लेट में निकाल रही हूँ इस तरह से। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, अभी वो क्या एयरपोर्ट गया हुआ है, बोला मम्मी बना के रखना मैं आता हूँ आधा घंटा में, तो मैं उसी के लिए बना रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैं फ्राई करके निकाल ली और इतना से मैं 8-9 पीस बनी थी, इसमें से 4 पीस बिल्कुल अलग कर दूंगी। उसमें क्या है ना थोड़ा चाट मसाला सब डालकर मैं अपने बेटे को दूंगी। और इतना सा तेल देखिए मैंने निकाल लिया था, अब इसी तेल में बचे हुए तेल में जीरा आधा चम्मच डाल दी हूँ और सूखी लाल मिर्च और ये तेज पात मैं इसको भी डाल दी। तेज पात मैं हमेशा धो के ही यूज करती हूँ। और एक प्याज को क्या है ना रफली ही काट कर इसको भी देखे इस तरह से डाल दी और इसका कलर जब चलाते हुए हल्का पिंक हो जाए तब मैं जो टमाटर और लहसुन, दो टमाटर ली हुई थी और थोड़ा लहसुन ली हुई थी ना, इन दोनों को बढ़िया से पहले पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर इसमें डालूँगी। देखिए, तब तक क्या है
कम आँच में इस तरह से मस्त से इसका कलर चेंज हो रहा है। अब इसमें सब कुछ डालूँगी, क्या क्या डालती हूँ आप इसे देखिए। देखिए टमाटर और लहसुन दोनों मेरा पिसा गया है, इसको पहले डाल दूँगी इस तरह से। और डालने के बाद बढ़िया से इसका मसाला जो है जितना अच्छा से कम आँच में भुनेगा उसका मसाला जो है ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगेगी। कि हम हड़बड़ी कर देते ना मसाला फटाफट भून दिए तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता। अब इसमें क्या स्वाद अनुसार नमक में डाल दी और हल्दी पाउडर भी अपने टेस्ट मसाले के जो है उसके हिसाब से देख लीजिएगा। अब मिर्च पाउडर जितना तीखा आपको पसंद आता है उतना ही डालिएगा, क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। कोई कम खाना पसंद करता है, कोई ज़्यादा खाना पसंद करता है। इसको क्या है अब देखिए सबको मिक्स करके इस मसाले पे पूरा फोकस करना है। इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, कम आंच तो हाई में लो इस तरह से आप ना तीनों तरह के आंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ये मेरा एवरेस्ट का चिकन मसाला है, इससे इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा खुल कर आता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। लगेगा कि हम नॉनवेज ही खा रहे हैं इस तरह से। देखिए इस मसाले को मैं डाल दी, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ले ली थी, और इसको डालकर देखिए अच्छा से मैं भून रही हूँ इस मसाले को। बस मैं बार बार यही बोल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट ना पूरा खुल कर आए। अब मसाला बहुत अच्छे से भूनेगा, देखिए जैसे मैं भून रही हूँ। अब मिक्सी के पॉट में जो मैं लहसुन और टमाटर पीछे थी ना उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दी। इसको इस तरह से करने से होता क्या है, मसाले में जो थोड़ा भी कच्चापन होता है ना वो मस्त से उसकी कमी पूरी हो जाती है। इस तरह से आप पकाइएगा तो, और जितना प्याज है थोड़ा कम गला है तो अच्छे से गल जाता है और हर मसाला बहुत अच्छे से भुना जाता है। इस तरह से इसको देखें मैं भून ली। अब इसमें एक गिलास पानी या जितना ग्रेवी आपको पसंद आता है उसके हिसाब से इसमें आप ग्रेवी के लिए पानी डाल दीजिए। और जब बढ़िया से देखें इसको डाल दी, इसको अच्छे से फिर क्या करछे से मिला दीजिएगा और इसके उबलने का इंतज़ार करिएगा। जब इसमें उबाल देखे आना शुरू हो गया ना तो मैं इसको डाल रही हूँ सोया ग्रेन्यूल्स जो सब आलू वगैरह सब मिक्स करके जो पकौड़ा टाइप बनाई थी ना इतना। इसको क्या है चार ही पीस डाली हूँ और बाकी जो चार पीस है इसका इस्तेमाल मैं अपने बेटे के लिए, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और हम लोग को भी इसमें मसाला वगैरह दे के उसको दूंगी। अब इसको ढक कर शांति से 5-10 मिनट कम आँच में आराम से पकने दीजिएगा। तो देखिए तेल जितना है कढ़ाई के ऊपर आ गया है, बहुत अच्छे से जूस पी ली है। अब इसमें कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ती में डाल दी और चलाते से अभी क्या है करछी को अच्छे से यहाँ पर जो है बढ़िया से चलाइएगा, क्योंकि टूटने का डर रहता है। क्योंकि अभी अच्छे से रस पी ली है ना, बहुत ही मस्त लगती है ये चावल के साथ, रोटी पराठे के साथ सब बहुत मस्त लगता है, पर चावल में तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है खाकर। इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए तो वह बिंदास ही टेस्ट होता है। ये बहुत ही मस्त लगती है इस तरह से, अब बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और इसे आप पूरी फैमिली के लिए बनाइए, सभी को पसंद आएगी। और एक गीली वाली जो बनाई हुई हूँ ना कोफ्ता सोया ग्रेन्यूल्स की, बड़ी बिंदास लगती है चावल के साथ इसे खाइए तो, नान पराठा सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और चावल जीरा राइस के साथ तो मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बिंदास लगती है। इस तरह से मैं बनाती हूँ। अगर आपको मेरे ये सोया ग्रेन्यूल्स के कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को देखने के लिए अभी आप सभी फ्रेंड्स का धन्यवाद। थैंक यू।